अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन चिली बनाना सिखा रही हूँ। चिकन चिली की रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, वो सिर्फ मैंने चिकन में बनाई थी। आज मैं वेजिटेबल के साथ तैयार कर रही हूँ। तो चिकन चिली बनाने के दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी मैरिनेशन करनी है चिकन की, और दूसरे स्टेप्स में सॉस तैयार करना है वेजिटेबल के साथ। तो फर्स्ट स्टेप की हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑल पर्पज़ फ्लोर चाहिए 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर चाहिए 3 टेबल स्पून, एग चाहिए 1, सोया सॉस चाहिए 1 टीस्पून, विनीगर चाहिए 1 टीस्पून, और चिल्ली सॉस चाहिए 1 टीस्पून। बोनलेस चिकन चाहिए 500 ग्राम, और इसको इस तरह इस शेप में काट लेना है, इसके स्ट्रिप्स बना लेने हैं इस तरह। नमक चाहिए 1/2 टीस्पून, काली मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून। अब सबसे पहले इसमें चिकन में नमक ऐड कर देना है, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस, विनेगर, चिल्ली सॉस। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 20 मिनट्स के लिए रख देना है। चिकन को रखे हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें अंडा ऐड कर देना है। ऑल पर्पस फ्लोर और कॉर्न फ्लोर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से इसमें ऑल पर्पस फ्लोर, कॉर्न फ्लोर और अंडा मिक्स कर लिया है। अब इसे फ्राई कर लेना। अब फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसे मैरिनेट किया हुआ चिकन इस तरह स्पून की मदद से डालना है। चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेना है एक प्लेट में टिश्यू रखकर, और उसमें और इसी तरह सारा चिकन फ्राई कर लेना। फ्राई हो चुका है, अब इसका सेकंड स्टेप है, उसकी मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। येलो कैप्सिकम 1/2, रेड कैप्सिकम 1/2, ग्रीन कैप्सिकम 1, और इन तीनों को इस शेप में काट लेना है। ग्रीन ऑनियन चाहिए 1, और इसको भी काट लेना है। ग्रीन चिली चाहिए 5 से 6 अदद, इनको भी इस शेप में काट लें। दरमियाने साइज़ की ऑनियन चाहिए, उसे भी इस तरह काट लेना है। कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 टेबल स्पून, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, यखनी 1.5 कप में इस्तेमाल करूँगी, अगर यखनी नहीं है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेसमी ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल चाहिए 3 टेबल स्पून, कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, शुगर 2 टीस्पून, चाइनीज़ नमक चाहिए 1/3 टीस्पून नमक, हसबे जायका, या अगर ज़रूरत होगी तो उसमें ऐड करेंगे क्योंकि यखनी में मैंने डाला हुआ है। केचप चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून, चिल्ली सॉस चाहिए 3 टेबलस्पून, सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून, विनीगर 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब एक जग में सारे सॉसेस और मसाले इसी में ऐड कर देने हैं ताकि पैन में डालना आसान हो जाए। शुगर, चाइनीज़ नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, चिल्ली सॉस, केचप,
सोया सॉस, विनेगर, अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्लेम पर एक पैन रखना है और उसमें ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल गर्म होने पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। साबित लाल मिर्च डाल देनी है। और अब साथ ही तमाम कैप्सिकम डाल देनी है, येलो, रेड, ग्रीन, ऑनियन, ग्रीन ऑनियन और चिल्ली, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फ्लेम को आपने हाई रखना है, ये हाई फ्लेम पर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है डिश। अब तकरीबन 2 मिनट के बाद इसमें जो सॉसेस हमने बना कर रखे थे और मसाले, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब वो इसमें डाल देना है। और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसे मज़ीद 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें सेसमी ऑयल डाल देना है। और साथ ही यखनी इसमें डाल देनी है। बस थोड़ा सा ही बॉयल होने पर इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड कर देना है, कॉर्न फ्लोर 2 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें कॉर्न फ्लोर डाल देना है, कॉर्न फ्लोर एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और साथ ही अब इसमें चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चिल्ली बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है और बहुत आसान है। अगर आपको सॉस थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें यखनी 2 से 2.5 कप भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चिकन को भी इसमें डाल के मज़ीद 1 से 2 मिनट पका लिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चिल्ली वेजिटेबल में तैयार हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करते हैं, फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसे सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। चिकन चिल्ली को सर्विंग बाउल में डालने के बाद ग्रीन ऑनियन से गार्निश कर लेना है और ये बॉयल राइस के साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।